सुल्तानपुर की अदालत ने सुनाया फैसला तो हिल गई यूपी पुलिस। दरोगा की रंगबाजी से जज को आया गुस्सा। फिर क्या, जज ने लिखवाया मुकदमा और दरोगा को भेजा जेल। ये गहमा गहमी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की दीवानी अदालत परिसर की है, जहां पर पुलिस वाला हैरान परेशान है। अधिवक्ताओं को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश के एक दरोगा से जुड़ा है। बहरहाल, गहमा गहमी के बीच सुल्तानपुर की पॉक्सो एक्ट की अदालत के जज पवन शर्मा ने जब दरोगा डीपी शुक्ला के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर जेल भेजने का आदेश सुनाया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हिल गई। जज पवन शर्मा के आदेश की गूंज राजधानी लखनऊ के डीजीपी कार्यालय तक सुनाई पड़ी। दरअसल 4 साल पहले रेप और हत्या के एक मामले की तफ्तीश सुल्तानपुर में तैनाती के दौरान दरोगा डीपी शुक्ला ने की थी। इल्ज़ाम है कि तफ्तीश में दरोगा डीपी शुक्ला ने खेल किया और गुनहगारों की मदद की। ट्रायल के दौरान अदालत ने गवाही के लिए दरोगा डीपी शुक्ला को कई बार तलब किया, लेकिन दरोगा जी नहीं आए। थक हार कर जब अदालत ने दरोगा डीपी शुक्ला के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया तो वो मंगलवार को सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए, लेकिन अदालत में भी दरोगा साहब ने खेल कर दिया। करीब 4 साल पहले मदनपुर पनियार एक गांव है लंबुआ थाने में, तो वहां पे तत्कालीन एसओ थे, तो वहां पर एक बालिका जो है स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ छेड़खानी करते हुए 3 लड़के और उसकी इंटेंशनली हत्या कर दिए। गाड़ी चढ़ा करके, मोटरसाइकिल चढ़ा करके हत्या कर दिए। उस मुकदमे में भी इन्होंने मिनिमाइज करके मुलजिम को अनुचित लाभ देते हुए 302 में चार्जशीट न भेज करके 304 में भेजा था, और उसी मुकदमे में इनकी गवाही होनी थी। गवाही में इनको कई बार तलब किया गया, ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं आए, तब ऑनरेबल कोर्ट ने इनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। एनबीडब्ल्यू पे कल इनकी गवाही होनी थी, ये 4 बजे तक गवाही के लिए उपस्थित नहीं आए और 4:30 बजे माननीय न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित आए थे। कल इन्होंने अपना वारंट रिकॉल एप्लीकेशन दिया था, ऑनरेबल कोर्ट ने वारंट रिकॉल एप्लीकेशन जो है खारिज करते हुए इनको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया था। ये जुडिशियल कस्टडी में इनको जेल जाना चाहिए था नियमता, जेल में ना जा करके जुडिशियल कस्टडी से फरार होकर पुलिस कस्टडी में रहे, और आज सुबह 10:30 बजे न्यायालय में पेश हुए। यहाँ पर कुछ अपने अहलकारों के साथ, अधिकारियों के साथ वे उपस्थित आए और क्षमा याचना किया, और ये सोचे कि कहे कि हमको रियायत दे दिया जाए, और हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि इन्होंने जो है ये कानून का उल्लंघन किए हैं और ये इसके कतई पात्र नहीं हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजने के लिए आदेशित किया है। फिलहाल अदालत से बिना सूचना गायब हुए दरोगा को जज पवन शर्मा ने कानून का पाठ अच्छे से पढ़ाया है। जज पवन शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाकर दरोगा को जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि दरोगा डीपी शुक्ला वर्तमान समय में बाराबंकी जिले में तैनात हैं। डीपी शुक्ला की कानून से खेलने की पुरानी आदत है, लेकिन इस बार का दांव उन्हें उल्टा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।